देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में दो तार है। एक तार इसमें का एल्यूमिनियम है और दूसरा वाला तार कॉपर है। तो इस तरह से तो इन दोनों तार की पहचान नहीं हो सकती। इसे पहचानने के लिए हमें तार को छीलना होगा। तो चलिए मैं इन दोनों तार को छील लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला तार एल्यूमिनियम का है और मैं इसे भी छील कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें का एक तार कॉपर है तो दूसरा वाला तार एल्यूमिनियम है। तो इन दोनों तार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इन दोनों तार में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉपर का तार होता है वह काफ़ी महंगा तार होता है, जबकि एल्यूमिनियम का तार कॉपर के तार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। हम कॉपर के तार को गर्म तार के नाम से जानते हैं और एल्यूमिनियम के तार को ठंडा तार के नाम से जानते हैं। कॉपर का तार मजबूत तार है दोस्तों, जबकि एल्यूमिनियम का तार उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। कॉपर के तार को हम सभी जगह उपयोग में ले सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के तार को हम सभी जगह उपयोग में नहीं ले सकते। हैवी लोड वाले जगह पर हमेशा कॉपर के तार का ही उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का तार वहाँ पर काम में नहीं आता है। एल्यूमिनियम के तार को हम छोटे उपकरण को चलाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जैसे बल्ब जलाना हुआ, सीलिंग पंखा चलाना हुआ, इस तरह के छोटे उपकरण को हम एल्यूमिनियम के तार से चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एल्यूमिनियम और कॉपर के तार को आपस में ज्वाइंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें का एक गर्म तार है तो दूसरा ठंडा तार है। इस वजह से अगर हम दोनों तार में ज्वाइंट करेंगे तो वह ज्वाइंट तुरंत ही गर्म होकर जल जाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करते हैं तो आपको सभी जगह एल्यूमिनियम के ही तार का उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आधे जगह पर एल्यूमिनियम का तार यूज में लें और आधे जगह पर कॉपर का तार यूज में लें। एल्यूमिनियम का तार भी टिकाऊ होता है दोस्तों, लेकिन आपको एल्यूमिनियम के तार के बीच में कॉपर के तार को कभी भी ज्वाइंट नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें का जो भी तार अच्छा लगता है आप उस तार को उपयोग में लें, लेकिन आपको दोनों तार को मिक्स कभी भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों तार का मेल कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरा आज का यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।